तो जो झाड़ने वाले रहते हैं ना, वो बोल रही थी कि बाप रे इतना ज्यादा हो बहुत ज्यादा हो गया, उतने दिन से कहाँ थी, तो बोली मुझे पता नहीं था, सारा दवाई बहुत सारा दवाई दी है तो इतना सारा। और नीचे भी है, आज ही पता चला है क्योंकि आज हम हॉस्पिटल गए थे। तो और ये पीलिया है ये तो पूरा ही 100% क्योंकि इसका जो आँख है ना, ये जो आँख जो है ना पूरा पीला पीला। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, तो स्वागत है आप सभी को नीता संगीत ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और आज दीपावली की दूसरी दिन है दोस्तों, तो आप सभी को हमारे पूरे फैमिली की तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज दीपावली की दूसरी दिन है और अभी दोस्तों सुबह ही का टाइम है, तभी मैं नहा धोवा कर पूजा वूजा कर ली हूँ। और अभी सुबह सुबह हम लोग अभी उठ गए हैं दोस्तों, सभी लोग बिटिया रानी भी उठ गई, आदित्य भी उठ गए। और आप सभी दोस्तों अभी जाएंगे हस्बैंड जी बाबू को लेकर हॉस्पिटल ना जी, अभी तुरंत जाएंगे, देखिए लड़ाई भी हो रहा है। और तो दोस्तों देखिए अदिति को मतलब क्या हो गया, आदि मार दिया तो जाकर बोला आदि भैया मार दिया है, इसका भैया मार दिया दोस्तों। अरे अपने भाषा में ना जो बोल पा रही है ऐसे बोल रही है, चाल चिल्ला रही है, समझे कि गाली दे रही है, बोल दो मेरे को हाँ बा 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 जी या 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 भैया, अय या 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 भैया बहुत नटखट हो गई है दोस्तों, बहुत दम नौटंकी करने के लिए सीख गई है, पूरा डांस कर रही है, पैर में पैर रखिए ना पायल वाला। तो दोस्तों फाइनली देखिए रात हो गया है और आज दीपावली के दूसरे दिन है, आप लोग को बताए थे और हम लोग भी काफ़ी खुशी थे दोस्तों। और हमारे खुशी में तो आप लोग को बोले ही थे कि एक बाधा पड़ चुका है, जो कि देख सकते हैं मेरे बेटा का दोस्तों बुरा हाल हो रखा है इतना। और अभी आदि बाबू खा रहा है दलिया, इधर बन रखा है दोस्तों देखिए, यही अभी बिना हल्दी उल्दी का गेहूं का दलिया है दोस्तों। क्या हुआ बेटा, देखिए आदित्य भी खा रही है दलिया थोड़े बहुत। आदि बाबू को बहुत तबीयत, बहुत जोर से तबीयत खराब है दोस्तों, मतलब ये चल फिर नहीं रहा अपने से भी। इसको क्या क्या बोलते हैं जो हो रखा है, इसको हो गया है दोस्तों पीलिया, जो पीलिया मतलब बोलता है जॉन्डिस को, पीलिया को पीलिया बोलता है, डॉक्टर लोग पीलिया बोलते हैं दोस्तों, वही हो रखा है हमारे आदि बाबू को। और हम लोग को ये बात आज ही पता चला है क्योंकि आज हम हॉस्पिटल गए थे, लेके गए थे इसको, जांच उच सब हो गया है, तो रिपोर्ट मतलब आएगा परसों, नहीं परसों रिपोर्ट आएगा दोस्तों। और ये पीलिया है ये तो पूरा ही 100% क्योंकि इसका जो आँख है ना, ये जो आँख है ना पूरा पीला पीला, और पूरा चेहरा भी पीला हो गया लगता होगा आदि बाबू का। अच्छा रुको ना, हाँ बेटा उठ के खाना, उठ के खाना, देखो कुछ इसको डॉक्टर पूरा हल्दी नमक, लीवर भी कमजोर है, कमजोर हो गया इसको, ज्यादा कुरकुरे और बिस्किट खा खा कर इतना चिप्स बिस्किट चॉकलेट से खाली हो रखा है, चौमिन से, घर का अनाज तो दोस्तों डॉक्टर साहब बोले हैं थोड़ा सा भी मतलब तेल वाला नहीं चीज नहीं देना है इसको, कुरकुरे फुरकुरे तो बिल्कुल ही नहीं देना, अभी बिल्कुल मना, बहुत 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 ज्यादा मना। और वही जॉन्डिस हो गया तो दवा भी हम लोग करवा रहे हैं, और आज झड़वाए भी थे दोस्तों बाबू को, तो जो झाड़ने वाले रहते ना, वो बोल रही थी कि बाप रे इतना ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, उतने दिन से कहाँ थी, वो बोली मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर झड़ाता है, देखिए बाबू क्या कर रही है। तो झड़ाया है, शाम में झड़ाया, फिर सुबह झड़ा, बोली तीन चार बार झड़ाया, जैसे जैसे मतलब वो पीला कम होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो कि पीला जो पीलिया बोलते हैं वो कम होता जाएगा दोस्तों। माता रानी से बस विनती करते हैं दोस्तों कि मेरे बेटे को जल्दी से ठीक कर दे, इतना ये शांत रहता है ना, अच्छा ही नहीं लगता घर में, जितना हल चल रहता है तो उतना ही अच्छा लगता है, जब ये बदमाशी करता है ना तब अच्छा लगता है, पर अभी नहीं अच्छा लग रहा है। भैया का तबीयत खराब हो गया बेटी, हाँ भैया का तबीयत खराब हो गया, क्या चीज बेटा, देखिए दोस्तों चल रही है अपने से, देखिए कैसे करती, बहुत बदमाश हो रखी है, इसे दवाई पापा दवाई कर करा तो राधी आदि अच्छा लग रहा है बेटा अभी,
कैसा तबीयत लग रहा है बेटा? सही लग रहा है। पेट में दर्द नहीं निकल रहा? पेट दर्द नहीं निकल रहा बेटा? की पीलिया होता है ना तो पेट में भी मीठा मीठा दर्द होता है। खा ले बेटा थोड़ा सा। थोड़ा सा और खा ले ना। अच्छा दवाई खा लेना। दवाई मजाक नहीं लगता होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा आप लोग बोलेंगे ना कि कल दिवाली इतना धूमधाम से मनाई और आज ऐसा बोल रही है। बीमार तो कल से ही पड़ा था। तो कल परसों दो तीन दिन पहले से ही था ना। चार पांच दिन से पहले बुखार आया, उसके बाद वो चीज का असर बाबू को धीरे धीरे लगने लगा। और देखिए बाबू का इतना सारा यहाँ दवाई है दोस्तों, दिखा दीजिए ना पेपर एक आध पेपर निकाल। और जांच उच भी बात होता कोई भी फालतू में ना, कोई अपने बच्चे को ना ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था। ये देखिए सारा इसी का ही दवाई, बहुत सारा दवाई दी है दोस्तों, इतना सारा है। और नीचे भी है देखिए, इसका ये पेपर हॉस्पिटल का कागज है जो कि दवाई दिया था, खा लिया था। हाँ एक टैबलेट दे दी थी दिन में एक बार बोले बस, और नहीं नहीं वह खिलाई थी शाम में। तो चलिए दोस्तों पहले आदि बाबू को देखती हूँ हम लोग और दवाई वाई पिलाऊंगी। और आप हर हमेशा मतलब सोया रहता है दोस्तों, और आप लोग से ना दोस्तों एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आप लोग को अगर आप लोग को इस चीज के बारे में कुछ भी पता हो कि ये चीज कैसे जल्दी कमेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों, तो ये वीडियो में प्लीज आप लोग को पता होगा दोस्तों किस क्या वजह से ठीक होता है ये वीडियो। आप ज्यादा शेयर मत कीजिए, आप देखिए मत दोस्तों, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप लोग को कोई भी चीज पता होगा कि ये चीज से जल्दी ठीक हो। क्या बेटा उड़ा दू? ठंडा लग रहा है? उसे ठंडा भी लग रहा है दोस्तों, देखिए कम्बल पापा उड़ा दे रहे। तो चलिए फ्रेंड पहले बाबू को दवाई वाई पिलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ बाद में। तो दोस्तों आप लोग देखे बाबू को दलिया खिलाई, दवाई खिलाई, खा ही नहीं रहा था, कितना ज्यादा रो रहा था। तो फिर दवाई वाई खिलाई तो क्यों ऐसे दाब रहे। तो देखिए दोस्तों अभी सभी लोग कम्बल के अंदर। हाँ बेटा खिचड़ी बना आ जा बेटा मेरा। और देखिए दोस्तों आज आदि बोला ना मम्मा खिचड़ी बना दो, तो हल्का खाना खिचड़ी भी होता है ना जी। उठिए ना, उठिए अभी सभी लोग जो कि सो ही रहे हैं। ठंडा लग रहा है दोस्तों, बाहर बहुत ज्यादा ठंडा का मौसम हो गया है। फिर भी आप क्या पहन रखे हो? हम तो कम्बल में घुसे हुए लगता संडो गंजी पहन रखे है। मेरा बेटा है देखो दोस्तों कितना मुंह में स्माइल में देखे दोस्तों आप लोग, आँख भी इसका थोड़ा पीला पीला ही अभी लग ही रहा है। झाड़ भी करवा रहे हैं, दवा भी चला रहे हैं दोस्तों, सब चीज कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक हो जाए ना बेटा। क्या क्या होता है बता दो तो चाचा लोग को। नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो बेटा मेरा, कर दो मेरे छो ना बेटा, हाथ जोड़ के कैसे पाम कर दो बेटा, पाम कर दो ठीक है। हाय चाचू बोल दो, बोलो हाय चाचू। देखो दोस्तों कुछ भी नहीं बोल रहा क्योंकि इसको ना अंदर से पूरा कमजोरी एकदम सता रहा, थोड़ा भी चल भी नहीं रहा, उठ भी नहीं। देखिए क्यों करते हो, जो शांत है कम मुँह से तो शांत रहने दीजिए। देखिए दोस्तों अदिति कहाँ पर है? वहाँ पर ही पता नहीं कहाँ। और बाबू का खिचड़ी बना रही है। हाँ ना है बेटा गंदी बात। देखो फिर और क्या बोलना चाहते दोस्तों, अभी तो दवाई वाई चल रहा है बाबू का। क्या बेटा कल फिर हॉस्पिटल भी जाना है हम लोग को। हाँ। रिपोर्ट कल रिपोर्ट आ जाएगा क्लियर। हाँ। तो आपसे तो कल पक्का पता चल जाएगा कि आदि बाबू को क्या मतलब है, क्या है। वो तो पता है कि जॉन्डिस है, बता ही दिए कि जॉन्डिस है। अभी ब्लड जांच हुआ तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन होता है दोस्तों बच्चे को घर में अगर हो जाता है छोटा। तो चलिए फ्रेंड ये छोटा ही सा हमारा वीडियो है, मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ खाली और खाली कि मुझे पता करना दोस्तों, चुप रहो ना बेटा थोड़ा देर ही, कि बनाई हूँ छोटा सा वीडियो दोस्तों इसलिए कि मुझे पता चल जाए कि क्या ऐसा तरीका। आप लोग देखिए हमारे 35,000 सब्सक्राइबर दोस्तों, अगर 35,000 सब्सक्राइबर अगर 5,000 सब्सक्राइबर भी चाहे 1,000 सब्सक्राइबर भी हमें कमेंट करेंगे कि इस चीज़ से ठीक हो जाएगा तो ये जल्दी ही होगा ना, इसीलिए दोस्तों बस यही मतलब है वीडियो बनाने का। तो चलिए फ्रेंड यहाँ तक हमारा ब्लॉग वीडियो बने बने के कैसे गिरा दिए अपने से लोग गाड़ गया। दोस्तों यहाँ तक हमारे ब्लॉग वीडियो बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।